ही रहे हमारे मऊ वाले भैया। मारते मारते नवरात्र का जो पहला हवन था वो हाँ जी भाई लोग, तो आप सभी का स्वागत है एक हमारे छोटे से व्लॉग में। ये रही मेरी मम्मी, अभी जस्ट तैयार हो रही हैं। मम्मी और मैं दोनों जाना जा रहे हैं नवरात्र का सामान खरीदने। आफत रोही बहनों का डिस्कशन एक अलग ही लेवल चलता है। हमारे यहाँ के कुत्ते का कंधा सड़ गया था, ठीक होने के लिए डाल रही थी जला हुआ मोबिल जिससे कि उसका जख्म भर सके। लिस्ट इतनी बड़ी है मानो बोड़े भर के सामान लाना है। ये रहा गांव का तेलहन जिसको लोग बोलते हैं सरसों, मशीन के अंदर जाते ही बनेगा कड़वा तेल। ये मायूसी समोसे और चटनी की है। तेरे हाथ में 100 रुपए। दुपट्टा, इसको 100 रुपए का दुपट्टा चाहिए। कई दिनों से बोल रही थी शायद आज ले भी ले पैसा। हम दोनों जना जा रहे मार्केट, क्या खरीदारी करने? हवन का सामान खरीदे। यहाँ पहुँचते करते हैं अच्छी साड़ियों की डिमांड, तो बहन जी दिखाई जा रही थी और मेरी मम्मी पीछे से बोल रही थी ना नक्को नहीं पसंद नहीं आ रहा है, कोई और दिखा दो, ये सही नहीं है वो सही नहीं है। लास्ट में मम्मी बोली मुझे यहाँ से ले चलो मुझे पसंद नहीं आ रही है। तो मैं लेकर पहुँच जाता हूँ दूसरे दुकान पे, वहाँ पहुँचते ये साड़ी इनको पसंद आ जाती है। दुकान वाले भैया से मैंने बस पानी के लिए बोला था, भैया ने तो बिस्किट के साथ मेरा स्वागत कर दिया। बाजार में आ गए ठठेरे वाली दुकान के पास, यहाँ से लिए स्टील की कटोरी और कुछ पीतल के दिए। आफत रूही बहनों के द्वारा दिए गए पर्चे के डिमांड को पूरा करने आ गए किराना वाले दुकान पे। वहाँ से सामान लेकर बचे पैसे को आ गए अपने तिजोरी में जमा करने। घर आते आफत रूही बहनों के लिए समोसा लाना भूल गए थे चटनी वाला। थोड़ा सा गुस्सा भी हो गई थी मेरे ऊपर, गुस्सा थूक फिर करने लगी साड़ी की अनबॉक्सिंग। इनको तो साड़ी अच्छी लगी बट इनका समोसा नहीं आया तो थोड़ा सा रूठ गई थी। नीक ना लगा तो हमने कहा कि नहीं हमने कहना लेती है समोसा ये लेते का मतलब। The next day. तो इस व्लॉग का आज है दूसरा दिन, आज हो रही है हमारे घर की सफाई क्योंकि 3 अक्टूबर को हमारे घर पे है नवरात्रि का पूजा। इस कार्य को जल्दी खत्म करने के लिए हमारे फैमिली के सारे लोग एकत्रित हो गए काम करने के लिए। मेरा मझिला भाई और मैं जितना भी जगह गड्ढा था उसको भरने का सुबह सुबह यही कार्य किए। माना कि मेरी घर की हालातें सही नहीं है, उसके लिए हूँ ना मैं जो अपने जी जहान से सब कुछ करके दिखाऊंगा और इस झोपड़ी को महल बना के दिखाऊंगा। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो पछताओ हमारी जान तुम्हारी। नेक्स्ट डे हाँ जी भाई लोग, तो आज है नवरात्र का पहला दिन और आज नवरात्र के पहले दिन हवन वगैरह कराना था और पूजा कराना था जो कि पंडित जी खाली नहीं थे सुबह के टाइम, तो वो बोले दोपहर में आएंगे, दोपहर में भी खाली नहीं हुए तो वो शाम को आ रहे। अभी आप लोग टाइम देखिए, ये 3:13 हो रहा है और ये सब कुछ रखा हुआ है पूजा पाठ का जो सामान है यहाँ पे हम लोग हवन वगैरह कराएंगे। नवरात्र का 9 दिन जो है कि पूजा पाठ होने वाला है, तो अभी हम चलते हैं नहाते धोते और थोड़ा बहुत कुछ और काम करने उसको निपटाते हैं और पंडित जी जैसे आते हैं फिर मिलते हैं फिर जी गाइस। तो जस्ट अभी मैं नहा धोकर बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, अभी हमारे घर ना पंडित जी पधारे हैं। तो भाई अभी मैं आ रखा हूँ कूस उखाड़ने के लिए, ठीक है। ये देखो ये रहा कूस जो पूजा पाठ में लगता है भाई। इस कूस को ले जाने के लिए आया था साइकिल से अपने बगीचे में। अभी हमारे दोनों बड़े पापा भी आ चुके हैं इस पूजा में शामिल होने के लिए। गांव में इस उम्र में भी दो भाई एक साथ बैठे हैं। पूजा खत्म होते ही पंडित जी को सबसे पहले दही खिलाते हैं, हमारे यहाँ दही खिलाना शुभ माना जाता है, और फिर कर दिए पंडित जी को विदा। गाइस यार अभी हमारे आना जो पूजा था ना नवरात्र का जो पहला हवन था वो हो चुका है क्लियर। अभी 8 दिन और कराने हैं हवन हमारे घर, तो 8 दिन का व्लॉग आपको देखने को शायद ही मिले। अभी तो हमारा पता नहीं, ये ओवरवाइज भी कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है इस व्लॉग में, मिनी व्लॉग तो मिलता रहेगा मुझे उम्मीद है। The next day. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। एक वीडियो मैंने डाला हुआ था इस फोन के ऊपर, ठीक है। इस फोन का जो है ना सॉफ्टवेयर चला गया था, अब इस फोन को बनवाने के लिए मुझे लगता है कि मुझे जाना पड़ेगा अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ, उधर ही हो सकता है कि बहुत सारा शॉप है वहाँ इसका सॉफ्टवेयर मिल जाए। आप लोग बोलेंगे यार इतने में तो तुम फोन ले लेते, भाई बात ऐसी है कि ये जो फोन है ना अभी 2 महीना हुआ है, सऊदीया से मंगाया गया था और इसका सॉफ्टवेयर 100 रुपए में चढ़ेगा, तो हम काहे लिए 1500-2000 का मोबाइल खरीदने जाए। पापा बोल रहे इसी फोन को तू बनवा दे, ये फोन सही चल रहा है, तो मैं चल रहा हूँ देख रहा हूँ
अपने नजदीकी मार्केट में ये बन पाता है या फिर नहीं बन पाता है? अगर नजदीकी मार्केट में बन जाए तो वहां से चले आएंगे, नहीं बन पाए तो फिर हमें जाना पड़ेगा अपने सिटी की तरफ जाना पड़ेगा। पड़ोसी की बाइक लेकर मैं चल देता हूँ सीधा सर्विस सेंटर। वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि मेरा फोन का जो सॉफ्टवेयर है ना वो चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां पे था ही नहीं। तो वहां से मैं अपने पापा के आईफोन को लेकर चला जाता हूँ सीधा अल्ले बिल्डिंग अपने डिस्ट्रिक्ट मऊ के तरफ। रोड क्रॉस करने जा ही रहा होता है कि एक बहन जी आ गई मेरे पास, तो जाते जाते ये भी मेरे व्लॉग में रिकॉर्ड हो गई। अब मैं इनको क्लिप से बाहर कैसे निकाल पाऊँ? अल्ले बिल्डिंग पहुंचते सभी मोबाइल सर्विस सेंटर पे जाकर पता किया। मैंने बहुत जगहों पे ढूंढा है, सॉफ्टवेयर है नहीं इस कीपैड फोन का। उम्मीद ऐसा लग रहा है कि मुझे नया कीपैड फोन लेना पड़ेगा, मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है। अल्ली बिल्डिंग में मिलता है कीपैड फोन का जो भी सामान हो गया ना रिपेयर सेंटर, वहाँ पे बहुत सारा है। वहाँ पे नहीं मिला तो कहीं पे नहीं मिलेगा। अब देखते हैं भाई क्या करना पड़ेगा हमें। मैं अकेले आया हूँ अपने आई लव मऊ, तो अभी आके मैं सेल्फी पॉइंट पे घूम ही रहा था कि मुझे मोस्ट पॉपुलर जो है कि क्रिएटर मिल चुके हैं मऊ वाले भैया, इनको तो आप जानते ही होंगे। आइए इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लेते हैं। हेलो ए भैया, ऑफर भी चल रहा है उसमें। मैं ना इस टाइम पे हूँ आई लव मऊ के पास, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को मिल गए थे मऊ वाले भैया, जिनको मऊ वाले लोग जानते होंगे, जो यहाँ के ना रील क्रिएटर हैं, यहाँ की स्टोरियाँ शेयर करते रहते हैं मऊ वाले भैया। आइए थोड़ा सा इनसे मिलते हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं, थोड़ा सा मजा लेते हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे मऊ वाले भैया, धन्यवाद। ये हमारे ओमकार भाई, ये है ओमकार भाई, ठीक है, जो हमारे इस पेज में बहुत बड़े सहयोगी रहते हैं, बराबर मैं उठाता रहता हूँ, हालांकि बहुत बिजी आदमी है, ओमकार हमेशा जाते हैं और साथ में। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम पड़ेगा विजय। विजय भाई भी हैं जो आज मैं मिले हैं और मैसूर में, पहली बार मिला हूँ और इनको मिलते मैं पहचान ही नहीं पाया। ये कुछ आइडिया होंगे विजय भाई को, इनके आइडिया में दिखते रहते हैं। तो भाई मैं अब क्या ही बताऊँ, मऊ वाले जो भैया है ना, हवाबाजी भी एक नंबर कर लेते हैं, ठीक है, नाम पता कुछ नहीं जानते लेकिन सपोर्ट करते हैं, नहीं ठीक है। तो हाँ जी, अब इस वीडियो को हम लोग करते हैं एंड। जो लोग अभी इस वीडियो को यहाँ तक देखते आए हैं ना, उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और इस वीडियो को शूट करने में, एडिट करने में, अपलोड करने में मुझे 5 दिन कन्फर्म लग चुके हैं। तो आप लोग करना ऐसा कि इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए होंगे ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बस इतना कर देंगे ना तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। खैर इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आने वाला है, ऐसे ही आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।